इमाम मोहम्मद बाकिर में आला हजरत फरमाते हैं कि हमारे भी सरदार हैं और सरदार के बेटे यानी इमाम जैनुल आबिदीन के बेटे हैं, खुद भी इमाम हैं और इमाम के बेटे हैं, खुद भी करीम हैं और करीम के बेटे हैं। आला हजरत गल के की थी, आला हजरत फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकिर ने कबाए नफीस बनवाई, यानी बड़ी कीमती कबा आपने बनवाई, तहारत खाने में तशरीफ़ ले गए, वहाँ ख्याल आया कि उसे राय खुदा में दीजिए, ख्याल आया कि इतनी कीमती मैं ये राय खुदा जी न दे देगी, फौरन खादिम को आवाज़ दी, खादिम करीब दीवार हाजिर हुआ, हुजूर ने कबाए मुअल्ला, हाँ जी करबला मुअल्ला तो है ना, लेकिन ये आला हजरत बरेलवी गल कर सकते, कबाए मुअल्ला यानी जड़ी आपने वो कबा पाई सी, आला हजरत फरमाते हैं मुअल्ला, आला हजरत को और कोई लफ्ज नहीं सी वरना आपने वो कह देना सी। अदब सीखना होवे ना तो बंदा फिर एथो सीखे, फरमाया कबाए मुअल्ला उतार कर दी कि फला मोहताज को दे आओ। जब बाहर रौनक अफरोज हुए, अब देखें ना अंदाज देखें, लेकिन लफ्ज क्या है, फरमाया जब बाहर रौनक अफरोज हुए, अदब ही तो है, मौलाना रूम फरमांदन बा गुरोहे के अदब गुरे अख्तन आबे मर्दी आबे मर्दा रे अख्तन, मौलाना रूम फरमांदन जिस बंदे अदब कोई नहीं ना, ना हो इंसान है ना वो कोई इंसानियत है, यही तो गल है। और मैं जब आप बाहर रौनक अफरोज हुए, खादिम ने अर्ज की इस दर्जा ताजील की वजह क्या थी, अर्ज की थी हुजूर बार तुसी तशरीफ भी तो लियाना सी, तो बार आके मैंने फरमा देंगे कि ए कीमती जड़ी कबा है ये फलां मोहताज गरीब नू दे दो, इतनी जल्दी की सी भाई आपने अंदरू ही आवाज़ ला दी थी कि भाई ये फलां गरीब को दे दो, तो आपने क्या फरमाया, फरमाया क्या मालूम कि बाहर आते आते नियत में फ़र्क आ जाता, लेकिन गल अगली है पूरी सुननी, हाँ गल अगली है, हाँ गल अगली है, फरमाया क्या मालूम कि बाहर आते आते नियत में फ़र्क आ जाता, आला हजरत अगर गल की कर ऐ जरा गल सुनने वाली अदब दी, आला हजरत क्या फरमाते हैं, फरमाया सुबहान अल्लाह, ये आला हजरत गल की थी, फरमाया सुबहान अल्लाह उनकी एहतियात है जो इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान की आगोश में पले, अजल के अंदर शैतान ने कहा कि मैं सबको मार दूंगा, सब पर मेरा काबू आ जाएगा, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, अल्लाह ने फरमाया कि तू मेरे जड़े बंदे ना उन्हें तू काबू नहीं पा सकता था। आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं कि ये बात है, ये एहतियात उनकी है जो इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान की आगोश में पले। अगली गल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैते व युतहिरकुम तत्हीरा, के दरिया में नहाए धुले, फरमाया ये एहतियात उनकी है जो इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान की आगोश में पले, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आगोश में पले, क्यों जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आगोश में पले, और वो हैं कौन, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअन्कुम रिज्सा अहलल बैते व युतहिरकुम तत्हीरा, के दरिया में नहाए और धुले, क्यों जी कोई है कायनात जी, मुझे अदब की गल करने वाला।